नमस्कार दोस्तों, राम राम जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम भाई जान। आप सभी लोग कैसे हो? मेरा नाम चंद्र रावत राजपूत है और मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग करता हूँ और अपने वीडियो बना के यूट्यूब के चैनल सत्या रावत प्रोडक्शन पे अपलोड करता हूँ। मैं आज आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ, ना कि आप लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ। मैं आज एक संदेश मैं देना चाहता हूँ। मेरा संदेश है, सेव द चाइल्ड, सेव द गर्ल्स। अब के समय में जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लड़कियों का कोई पहचान नहीं है, लड़कियों की पहचान लड़कों से होती है, ये सोचना गलत है। सबसे पहले हम जहाँ रहते हैं, पृथ्वी वो माता है, वो एक औरत है। धरती जिस पे हम रहते हैं वो धरती माता, वो भी औरत है। हमारी माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया वो भी एक औरत है। हमारे घर में हमारी बहनें जो मेरा हमारा सपोर्ट करती हैं वो भी एक औरत है, लड़की है। और हमारे घर में अपने परिवार को छोड़ के एक अलग परिवार में आती हैं और हमारा साथ देती हैं। सुख दुख हर सिचुएशन में वो हमारे हाथ बटाती हैं, अपने आप को दुखों में डाल के भी हमें खुश रखने की कोशिश करती हैं। हमारी धर्म पत्नी वो भी एक औरत है। जब इतनी औरतें हमारे जीवन काल में, उन लोगों का इतना बड़ा योगदान है, सहयोग है और इनकी पहचान अपने आप से है, इनकी खुद की एक पहचान है, इनकी पहचान किसी की मोहताज नहीं है, आप सभी लोग जानते हो। फिर भी आप लोग ये बोलते हो कि लड़कियों का कोई अस्तित्व नहीं है, लड़कियों का कोई पहचान नहीं है, लड़कियों का कोई भविष्य नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है यार, सोच सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। कुछ इंसान के भेष में जानवर घूम रहे हैं हमारे आसपास हैं, जो लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, उनको मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, जलाते हैं दहेज के लिए, भ्रूण हत्या करते हैं जन्म से पहले। जिस लड़की ने अभी तक दुनिया नहीं देखी उस लड़की को भ्रूण हत्या करवा देते हैं जन्म से पहले। कुछ लोग जन्म के बाद छोटे छोटे बच्चों की डेड बॉडी को नालियों में फेंकवा देते हैं। मरी भी नहीं रहती तो भी उसको नालियों में फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं, अनाथ आश्रम के सामने फेंक देते हैं, पानी में बहा देते हैं, जला देते हैं। ऐसे इंसान रूपी जानवरों का जीने का कोई हक नहीं है, उन्हें दूसरों की जिंदगी छीनने का कोई हक नहीं है। जीने दो, उन सभी का अपने जीवन पे हक है। जीवन ने जीवन तो ऊपर वाले ने दिया है और आप उसे छीन रहे हो, ये बहुत गलत है। रही बात पहचान की, तो हमारे भारत देश में भी बहुत से ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपना अलग पहचान बनाया। मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा। लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी जो बहुत बड़ी सिंगर हैं और आज भी सभी लोगों के गानों को सुनते हैं, सरोजिनी नायडू जी, इंदिरा गांधी जी, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल और बहुत सी औरतें हैं जिन्हें अपना पहचान बनाया, एक अलग मुकाम दिया। किरण बेदी जी, सब औरतें हैं
फिर भी हमारे आसपास इतनी औरतों के होते हुए भी, इतने अच्छे पोजीशन में होते हुए भी, हम क्यों सोचते हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती। आज जब हम कहीं भी जाते हैं तो 40% 50% औरतें काम करते हुए, लड़कियां काम करते हुए मिलती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो गए, चारों तरफ। फिर भी हम कहते हैं कि इनका कोई अस्तित्व नहीं, इनका कोई पहचान नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में, हम इन्हें पढ़ने नहीं देते। एक घर में दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की, लड़के को पढ़ाया जाता है, लड़की को दबाया जाता है, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, क्यों ऐसा क्यों, उसे भी जीने का मौका दो, उसे भी पढ़ने को दो, खेलने को दो। वो मेरा विश्वास है वो उस लड़के से ज़्यादा नाम रोशन करके आपको दिखाएगा। लड़कियाँ भगवान का स्वरूप होती हैं, माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, और वो हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ ही लाती हैं। आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, आज यहाँ तक मैं आया हूँ कि आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, आप लोगों से दो शब्द बोल पा रहा हूँ, इन सभी के पीछे भी लड़कियों का हाथ है। सबसे पहले मेरी माँ, जिन्हें मुझे इस दुनिया में लाया, फिर मेरी बहनें, जिन्हें मेरा हमेशा सपोर्ट करा, हमेशा मैं गलत सही जब भी होता था वो मुझे समझाती थी ऐसा करना ऐसा नहीं करना, मेरी माँ ने भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी पांच बहनें हैं, नीतू रितु आरती रानी रोमा, सभी लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं अपनी फैमिली के साथ में जब भी होता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मेरी दादी माँ, जिन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है, वो इस दुनिया में नहीं है। दादी आप जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो, आपसे आपका ये बच्चा हमेशा प्यार करेगा। और गुलाबो गैंग जो मेरे फ्रेंड है, काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स जिसमें भी सारी लड़कियां हैं, जिन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया। फर्स्ट गुलाबो गैंग के लीडर, जिन्होंने मुझे सिंगिंग के बारे में नॉलेज दिया कि सिंगिंग में कैसे कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था जब मैंने सिंगिंग शुरुआत की थी, जब मुझे मिस्टर बंदर कह के बुलाती थी, जिन्होंने मुझे पहली बार बताया कि राग में भी आरोह अवरोह होता है, सिंगिंग में भी आरोह अवरोह होता है। मुझे कोई नॉलेज नहीं था, मैं एक लड़का था फिर मुझे कोई नॉलेज नहीं था, और वो एक लड़की थी जिन्होंने मुझे बताया। तो मेरे चारों तरफ मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाली लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया हमेशा। मेरे घर में भी पांच बहनें होते हुए भी मेरे पापा ने कभी अपने बच्चों की पढ़ाई को, परवरिश को कभी अधूरा नहीं छोड़ा, हमेशा पूरा करने की कोशिश की। क्रिटिकल कंडीशन में भी होते हुए भी मेरे पापा ने हमेशा सपोर्ट किया कि हमारे बच्चे आगे पढ़े, मेरी बहनों को आगे की पढ़ाई कंप्लीट कराई, कंपटीशन में भी भेजा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये जानने कि मेरे पापा ऐसे हैं, और मैं अपने पापा को सैल्यूट करता हूँ और तहे दिल से आशा करता हूँ और अपने पापा को मैं प्राउड फील करता हूँ मेरे पापा जैसा सभी लोग बने। मेरे पापा एक छोटे से किसान हैं और छोटे से बिजनेस मैन भी हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। जब मेरे पापा इतने छोटे कंडीशन में होते हुए, इतने छोटे से गांव में होते हुए भी, इतने क्रिटिकल कंडीशन में होते हुए भी ऐसा कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं, आप लोग भी अपने बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट करिए, आगे बढ़ाइए। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी चल रही है, फिर भी लोगों की सोच पीछे है। कुछ लोग कहते हैं हमारा देश विकास कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं हमारा देश विकास नहीं कर रहा है। दोनों लोगों से एक सिर्फ एक कुछ बातें कहना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं हमारा देश विकास कर रहा है, हमारी ऐसी सोच लेके
क्या हमारा देश विकास कर सकता है, नहीं कर सकता। और जो लोग कहते हैं हमारा देश विकास नहीं कर रहा, तो मैं भी उनसे भी कहना चाहूँगा कि ऐसी सोच लेके हम विकास नहीं कर सकते, पहले अपना सोच बदलो, फिर देश बदलेगा। आप लोग हमेशा टीवी पे देखते हो, चारों तरफ देखते हो, आज लड़कियों ने ये किया, आज लड़कियों ने वो किया, आज यहाँ की औरतें ओलंपिक में यहाँ ये मेडल लेकर आई, लड़की अपने भारत देश के नाम रोशन किया, फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलती। अपने आप को खोलो, अपने दिल में टटोल के देख लो कि लड़के से कहीं भी लड़कियाँ पीछे नहीं है। सबको जानते हुए भी आप पीछे हटने की कोशिश करते हो, प्लीज सेव द गर्ल, सेव द चाइल्ड। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, कमेंट भी करिए और लोगों तक ये संदेश पहुंचाइए कि लड़कियों को दहेज के लिए कहीं जलाया ना जाए, पीटा ना जाए, मारा ना जाए, परवरिश के लिए लड़कियों को की हत्या नहीं ना की जाए, बच्चों के पढ़ाई ना रोक दी जाए, और यही नहीं अपने वंश को बढ़ाने के लिए भ्रूण हत्या भी ना करें। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं लड़कियों से वंश नहीं बढ़ेगा, लड़कों से वंश बढ़ेगा, लड़कियां भी वंश को आगे लेके जाती हैं। सोच बदलिए, देश बदलेगा।